गाइस ये पूरी पार्किंग है और चलो अभी अपन चलते हैं। तो ये पूरा एंट्री यहाँ से, यहाँ पूरा प्रसाद शाद लेने का है पूरा, यहाँ से पूरा है। ये भी अपन यहाँ से आए हैं। अभी भी आप लोगों को शायद ही पता चलेगा कि मैं कहाँ आई हूँ। देखते रहो आगे, और ये पूरा सीधे मतलब जाने का है पूरा। व्हाट्स अप फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एंड इन अदर ब्लॉग। और मुझे पता है पीछे से आवाज़ आ रही है क्योंकि पीछे भी शायद कोई काम चल रहा है, और इसी चक्कर में मैंने घर से ही ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी। घर में भी मेरे बहुत काम चल रहा है छत में, तो वहाँ पे भी ऐसी मशीन चल रही थी, बट यहाँ पे भी यार क्या करे, लकी ख़राब है। बट कोई नहीं, मैं इंट्रो शूट करती हूँ क्योंकि मुझे अभी बाकी का वीडियो शूट करना है। और वीडियो का आप अभी से लाइक शेयर कमेंट कर दो क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाली। तो मैंने आपको थोड़ा सा रोड की क्लिप्स आपने इससे पहले देखे हो, और अभी मैं कचनार सिटी आई हूँ। तो कचनार सिटी में बहुत पहले आई थी, जब बिट्टू दीदी की शादी के पहले जब मैं और बिट्टू दीदी से घूमने निकले थे तब आए थे हम लोग। उसके बाद मैं कचनार सिटी नहीं आई तो, और मैंने ब्लॉग में भी कभी कचनार सिटी एक्सप्लोर नहीं की। तो चलो आज अपन कचनार सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते पता नहीं मुझे गुफा के अंदर जाने मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अपन बार बार से घूम के चलेंगे। ठीक, तो चलो आप ब्लॉग एंजॉय करो। ठीक, तो ये पूरी एंट्री है यहाँ से। और अभी मैंने माइक लगाई है तो आप बताओ, और मुझे पता नहीं कि आवाज़ कैसी आ रही है, बट ये पूरा यहाँ से ये गार्डन है। और ये देखो, ये अपने भोलेनाथ, तो ये पास से देख लो, पता नहीं गुफा बंद है शायद, बंद है यार। कब खुलेगा ये? तो गाइस ये देखो, ये ये है और ये गुफा, इसके अंदर ना पूरी शिवलिंग है, मतलब भोलेनाथ की शिवलिंग, और बंद है अभी गुफा। तो गाइस अभी 4 बजे खुलेगा और इतने टाइम में रुकूंगी नहीं, मैं क्या करूँगी यार, मेरे को और भी काम है। तो अभी हम लोग चले जाएंगे, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। और बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा हमारा कचनार सिटी, इतने बड़े भोलेनाथ है ना, बहुत प्यारा लगता है। हम लोग जब मैं और बैठे थे आ रहे थे, हम लोग पीछे पीछे से घूम के यहाँ पे फोटो खिंचा रहे थे हम लोग। ये पूरा है, मतलब यहाँ पे पूरा फोटो वोटो उसका है। रात में तो और अच्छा लगता, पूरी फोकस वाली लाइट आती है इसमें।
तो मैंने ना मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर रुक जाती हूँ, 4:30 तक हम लोग रुक जाते हैं तो क्योंकि देख भी लेंगे अंदर का। बट मैंने वहाँ पे गार्ड अंकल से पूछी तो उन्होंने बोले कि हाँ 4:30 तक खुल जाएगा लेकिन मोबाइल अंदर ले जाने नहीं मिलेगा। तो मैंने यार क्या मतलब है मोबाइल अंदर नहीं ले जाने मिलेगा, तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं है 4:30 तक रुकने का। तो मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया, मैं नहीं रुकूँगी, मतलब थोड़ा सा और शूट करके और मैं चली जाऊँगी। और आप लोग को बताना, आप लोग को जो मतलब जबलपुर में है तो वो तो उनके लिए तो वो लोग तो देखते रहते हैं कचराहट सिटी, लेकिन अगर जो लोग जबलपुर से बाहर के लोग अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो बताना कचराहट सिटी कैसा लगा आप लोग को। और बहुत नेक्स्ट लेवल वाइब है यार, महादेव है और महादेव के कौन भक्त नहीं है। मैं तो बहुत बड़ी भयंकर वाले भक्त हैं अपन महादेव के। तो थोड़ा सा शूट करते हैं, शूट करने के बाद फिर निकलते हैं। ये पूरा जो गार्डन एरिया है और ये है पूरा सिटिंग एरिया, मतलब यहाँ पर बैठ सकते हैं अपन। और ये है पूरा मतलब अपना गार्डन है, फ़ोटो के लिए बहुत अच्छी जगह, मतलब बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आती है। और मैं दिखाऊंगी, मैंने मतलब मेरी फ़ोटोज़ मैं दिखाऊंगी डाल के, वैसे मैं दिखाऊंगी जो मैंने फ़ोटोज़ ली हूँ। और वो अपने नंदी जी हैं, नंदी भगवान है वो, वहाँ यहाँ मतलब ये भोलेनाथ है। और बहुत अच्छा व्यू आता है फ़ोटो वोटोज़ का क्योंकि चारों साइड गार्डन और बीच में है। तो चलो अभी अपन घर चलते हैं। और कमेंट बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट, जिसने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, क्योंकि मैं इतनी दूर आई हूँ इतना अच्छा ब्लॉग शूट करने, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक, जब मैं सोच रही हूँ अपना ब्लॉग यहीं एंड कर दूँ, तो आई होप आप लोगों को मेरा यह वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं डायरेक्ट घर जा रही हूँ, तो मैं कुछ शूट नहीं करूँगी बीच में। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।